आपको बताऊंगी सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे होती है, जिसमें देखिए मैंने मेज़रमेंट ये लिखी हुई है, जहाँ पे चेस्ट है 40, वेस्ट है 37, हिप है 45। जहाँ पे हमें चेस्ट, वेस्ट और हिप का 1/4 लेना होता है और शोल्डर का हाफ लेना होता है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कैसे होती है कटिंग। ये देखिए मैंने ये सेट करके रखा है, ये फ्रंट है और ये बैक है। अब यहाँ से शोल्डर की मेज़रमेंट लूँगी मैं, जो है 14, उसका हाफ 7 इंचेस पे मैंने मार्किंग कर दी है। ये देखिए यहाँ पे हाफ इंच हम ड्रॉप लेते हैं। ये अब यहाँ से होगी हमारी आर्म होल की मेज़रमेंट, जो मेरी मेज़रमेंट में है 7.5। ये 7.5 पे मार्किंग कर ली। यहाँ से इस तरह हम लाइन कर लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे 3 इंचेस में नेक का छोड़ूंगी, और ये जो हमने हाफ ड्रॉप लिया था, यहाँ पे इसको ऐसे स्लेंटिंग लाइन से हम मिला लेंगे। अब यहाँ से हमारी होगी चेस्ट लाइन, जो है 40, उसका 1/4 होगा 10 इंचेस। ये 10 इंचेस पे मार्क कर लिया हमने, इसको हम इस तरह मिला लेंगे। और यहाँ पे 2 इंचेस मेजरमेंट, सॉरी मार्जिन के लिए रखेंगे और इसको भी ऐसे मिला लेंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि शोल्डर लाइन से 15 इंचेस नीचे आती है हमारी वेस्ट लाइन। ये 15 इंचेस नीचे मार्किंग कर ली। यहाँ पे आएगी वेस्ट लाइन, जो मेरी मेज़रमेंट में है 37, उसका 1/4 लूँगी तो 9¼ इंचेस, और इस पर भी 2 इंचेस मार्जिन का रखना है। ये देखिए इस तरह। और अब शोल्डर लाइन से 21 इंचेस नीचे आती है हमारी हिप लाइन। ये यहाँ पे हिप लाइन, और मेरी मेज़रमेंट में है ये 45 का 1/4, 11¼ इंचेस। ये हो गया 11¼, उसके बाद 2 इंचेस मार्जिन रखना है। ये देखिए हमारी मार्किंग हो गई। अब मैं आपको आर्म होल की कटिंग बताती हूँ। यहाँ पे हमने जो 7.5 लिया है, उसके बिल्कुल हाफ में हम मार्किंग करेंगे, तो हो जाएगा 3½ और 1/4 इंचेस। ये हाफ पे मार्किंग होगी, और ये जो मार्किंग है इसको हम कर्व की मदद से मिला लेंगे। और अब ये जो लाइन है, यहाँ से 2 इंचेस नीचे स्ट्रेट लाइन लेनी होती है। ये देखिए हम इस तरह इसको मिलाएंगे। इसका ध्यान रखिएगा, अगर हम इस तरह मिलाते हैं तो यहाँ से टाइट हो जाता है बस्ट लाइन से। ये हमारी मार्किंग हो गई है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, और मैं आपको बता दूं कि जो हम मेजरमेंट लेते हैं उससे ये 1/4 इंचेस लूज रखना होता है। यहाँ से थोड़ा सा 1/4 इंच लूज रखना होता है, तो फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ।
कुर्ती की कटिंग हो गई। अब मैं आपको बताऊं कि आर्म होल में फ्रंट में डेप्थ कटिंग होती है कि बैक हटा के ये जो हमने हाफ पे मार्किंग किया हुआ है यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे हम। ये देखिए आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। और इस कर्व की मदद से इस तरह निशान कर देंगे। ये इस तरह और फिर ये कट कर लेंगे।